फ्रांस, जर्मनी और कनाडा से क्या लाएंगे पीएम मोदी? बड़े देश, बड़ा दौरा। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर जर्मनी पहुंचे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें हैनोवर के मेयर के साथ उनकी, जहां तोहफों का आदान प्रदान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं जर्मनी, इससे पहले उन्होंने सीईओ के साथ मुलाकात भी की और अब मेयर के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हैनोवर में उन्होंने और ये 102 साल पुरानी बिल्डिंग में, जो एक प्रकार से हैनोवर की शान है, वहां 125 करोड़ आबादी के एक प्रतिनिधि का स्वागत किया, सम्मान किया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। भारत अपार संभावनाओं का देश है, चीर पुरातन संस्कृति की धरोहर लेकर के आधुनिक भारत अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। जर्मनी भी एक बहुत बड़ा हमारा भागीदार है, साझेदार है। जर्मन बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान की धरती पर है। हिंदुस्तान का यूथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज पूरे विश्व में अपना प्रभाव पैदा कर रहा है। जापान स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस प्रकार से और कामों को जापान ने अपनी प्रगति बताई, जर्मनी ने मैन्युफैक्चरिंग हो, इनोवेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इन सभी विषयों में एक नई ताकत का परिचय करवाया है और एक प्रकार से पूरे यूरोप में एक प्रभावी आर्थिक धरोहर के रूप में आगे बढ़ रहा है। हैनोवर में भारतीय समुदाय के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस आनंद और वैभव का अनुभव यहां करते हैं, उनसे जो हम खबरें सुनते हैं, मैं हैनोवर वासियों का, मैं जर्मन जनता का और मेयर का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, हैनोवर के मेयर के साथ उन्होंने मुलाकात की और जिस तरह का स्वागत उनका किया गया है उसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया। तोहफों का आदान प्रदान भी हुआ और इस वक्त जो मेयर हैं वो कुछ और भेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की ये 3 देशों की यात्रा है। फ्रांस के बाद वो जर्मनी पहुंचे, अब से थोड़ी देर में छात्रों के साथ उनकी अनौपचारिक मुलाकात है, संबोधित भी कर सकते हैं वहां वो मौजूद छात्रों को। इसके अलावा जर्मनी की इस यात्रा में खासतौर पर अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए निवेश को लेकर लगातार कोशिशें प्रधानमंत्री की तरफ से रहने वाली है। जर्मनी के सीईओ के साथ उन्होंने मुलाकात की है, भारतीय सीईओ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ इंडियन पवेलियन का उन्हें शुभारंभ करना है, लेकिन उन तमाम एंगेजमेंट से पहले फिलहाल मेयर के साथ उनकी ये मुलाकात और दो शब्द भी उन्होंने कहे। जिस तरह का स्वागत उनको दिया गया है उसके लिए ये भी कहा कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी का अहम योगदान है। यूरोप की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक है जर्मनी और जर्मनी के साथ भारत के सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में भी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करेंगे, ये भी भारत सरकार की तरफ से एक मंशा साफ झलकती है। क्या कुछ अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया, एक बार फिर सुनिए। उन्होंने और ये 102 साल पुरानी बिल्डिंग में, जो एक प्रकार से हैनोवर की शान है, वहां 125 करोड़ आबादी के एक प्रतिनिधि का स्वागत किया, सम्मान किया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। भारत अपार संभावनाओं का देश है, चीर पुरातन संस्कृति की धरोहर लेकर के आधुनिक भारत अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। जर्मनी भी एक बहुत बड़ा हमारा भागीदार है, साझेदार है। जर्मन बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान की धरती पर है। हिंदुस्तान का यूथ
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज पूरे विश्व में अपना प्रभाव पैदा कर रहा है। जापान स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस प्रकार से और कामों को जापान ने अपनी प्रगति बताई, जर्मनी ने मैन्युफैक्चरिंग हो, इनोवेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इन सभी विषयों में एक नई ताकत का परिचय हुआ है और एक प्रकार से पूरे यूरोप में एक प्रभावी आर्थिक धरोहर के रूप में आगे बढ़ रहा है। हैनोवर में भारतीय समुदाय के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस आनंद और वैभव का अनुभव यहां करते हैं, उनसे जो हम खबरें सुनते हैं, मैं हैनोवर वासियों का, मैं जर्मन जनता का और मेयर का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय छात्रों के साथ अनौपचारिक मुलाकात भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तीन देशों का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत को इससे क्या हासिल होगा, यही सवाल बना हुआ है। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिबांग है हमारे साथ, कंचन गुप्ता जी हैं और अशोक वानखेड़े जी हैं। दिबांग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जर्मनी का यह दौरा कितना अहम है भारत के लिहाज से, खासतौर पर तब जब मेक इन इंडिया को लेकर के दिबांग यहां जोर रहने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ देखिए, जहाँ तक जर्मनी का सवाल है कि वो भारत में जो FDI आता है उसमें आठवां सबसे बड़ा नंबर है जर्मनी का। और जर्मनी की खासियत यह है कि वहाँ टेक्नोलॉजी आपको बहुत मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में चलती है। अगर आप भारत को देखें तो इनकी जो मेक इन इंडिया की जो कोशिश है वो यही है कि आप भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, और ये भी एक बड़ी सोच है, इसका उल्लेख भी वो बार बार कर चुके हैं। दुनिया भर में इस पर काफ़ी चर्चा है कि इस तरीके से चीन में जो लेबर है वो महंगा होता जा रहा है, चीन में जो काम करने वाले हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, उसमें भारत एक बड़ा स्थान ले सकता है। अब भारत कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब रहा नहीं है, आप देखें तो जापान रह चुका है, चीन रह चुका है, जर्मनी, अमरीका, ये सब देश मैन्युफैक्चरिंग हब रहे हैं। उसमें अब आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वहाँ एक तरीके से जर्मनी बहुत आपकी मदद कर सकता है, और यही कोशिश है नरेंद्र मोदी की, वहाँ जाएं और उनको समझाएं कि वो भारत आएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी से हो जाता है। भारत में जिस तरह के कायदे कानून बने हुए हैं, जिस तरह के नियम बने हुए हैं, उनमें बड़ी समस्या है। अगर आपको यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन पर आप देख रहे हैं किस तरह की समस्या है। वहाँ जर्मनी को अगर आप की तुलना करें भारत से, तो वहाँ जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जहाँ तक लेबर का सवाल है, लेबर को और जिनकी ज़मीन होती है उनको वहां पर कंपनी में बड़ा स्थान दिया जाता है, उनसे सबसे बात की जाती है। तो एक उनकी जो पॉलिसी है उसको जर्मन में कहते हैं कि ये इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसमें लेबर यूनियन के लोग भी आके मिलकर बैठ के बात करते हैं। क्या भारत में उस तरह की चीज़ बन सकती है? क्योंकि एक बात तो साफ हो गई, जो नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री महसूस कर रहे होंगे, कि आप सिर्फ कानून बना के यहाँ पर नहीं कर सकते, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब चीन को देखते हैं तो चीन में लोकतंत्र है नहीं, जो चीनी सरकार चाहती है उसी से ज़मीन ले लेती है, जिस भाव में चाहती है, जिस तरह लेबर को रखना चाहती है, पैसे देना चाहती है। यानी बीजिंग में पति पत्नी जो चीन के पश्चिम से आए हुए हैं, पश्चिम क्षेत्र से आए हुए हैं, बीजिंग जो कि बिल्कुल पूर्व में है, अगर वो एक शहर में आके काम करते हैं तो वहाँ कानून ऐसे हैं कि वो पति पत्नी एक साथ रह नहीं सकते, वो अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं। तो चीन में चूंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है तो ये चीज़ की आज़ादी है। भारत में हर फैसले पर आपको विरोध करने वाले 6 लोग मिल जाएंगे, तो क्या आप उस हालत में इस तरह के कानून बना सकते हैं? तो नहीं। तो क्या आप कोई नया रास्ता निकालेंगे? मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत है जी। कंचन जी, क्या यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर तो आप गए हैं, लेकिन निवेश जुटाने की कितनी बड़ी चुनौती होगी? मैं इतना ही कहना चाहता था कि अभी दिबांग ने जो कहा कि भारत कभी मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रहा, ये शायद पूरी सच नहीं है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो थी एक समय बहुत ज़बरदस्त थी, और ईस्ट इंडिया में स्पेशली, वहाँ पर शेफील्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था इंडिया को, वो ईस्टर्न इंडिया को। लेकिन धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म होते गई, और नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं आया, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ख़त्म हो गया। अब अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग केवल बड़े इंडस्ट्री के कारण से हम लोग उसको नहीं आगे ले जा सकते हैं। बड़े इंडस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव अगर इंडस्ट्री हो तो उसके लिए ज़मीन शायद उतना नहीं चाहिए होगा। और जिस कारण से जर्मनी
के साथ जो है हमारी जो बातचीत है वो बहुत क्रूशियल है। जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और यहाँ पर अगर हम उनको ला सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और उसके लिए जो तैयारियाँ चाहिए वो काफ़ी कम होंगी। जैसे उतना ज़मीन नहीं चाहिए होगा, उतना लेबर इंटेंसिव नहीं होगा, उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और लोकेशनली जो है उसको आप पोर्ट्स के नज़दीक ला सकते हैं, कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जो कठिनाइयां दिबांग ने गिनाई हैं उसके साथ दो और कठिनाइयां जो है वो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, एक तो है कि हमारी आपके पास कंचन जी इन दो कठिनाइयों पर भी बात करेंगे, और अशोक जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कितना आसान होगा मेक इन इंडिया के इस कार्यक्रम को जर्मन वासियों के सामने रखना और उन्हें भरोसा दिलाना कि वो आए और इसमें निवेश करें। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जर्मनी पहुंचे किस तरह का उनका स्वागत हुआ, और इसके साथ ही जर्मनी से भारत को क्या उम्मीदें हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे तो हैनोवर एयरपोर्ट से होटल तक नमो नमो के नारे गूंजते दिखे। प्रधानमंत्री अपने होटल की तरफ बढ़ते हुए आहिस्ता, प्रधानमंत्री के साथ खास तौर पर बहुत बड़ा डेलीगेशन उद्योगपतियों का भी आया है। ये हिस्टीरिया एक तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत का बड़ी संख्या में भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाने के इरादे से जर्मनी आए हैं। इसकी शुरुआत हैनोवर व्यापार मेले से हो रही है, जहां इंडियन पवेलियन खास तौर से बनाया गया है। इस मेले में 400 भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारतीय कंपनियों के करीब 120 CEOs इस मौके पर मौजूद रहेंगे। Just happy as an ambassador that he's now here finally in Germany, and I think that it will be a huge success what will happen here in Hannover and later in Berlin. प्रधानमंत्री मोदी कितने जोश में हैं, इसका नजारा जर्मनी के कारोबारियों से उनकी मुलाकात के दौरान दिखा। प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए इंडियन पवेलियन भी सच कर तैयार है। मेक इन इंडिया का प्रतीक शेर यहाँ खास तौर से लगाया गया है। हैनोवर मेसे और इंडियन पवेलियन पूरी तरह से तैयार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत करने के लिए। ये वो लाइन है मेक इन इंडिया का, जो कि एम्ब्लेम है प्रधानमंत्री के उस सपने का जिसको लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि 100 कम से कम जल्द से जल्द स्मार्ट सिटीज भारत में डेवलप हो सके, कुछ इस तरह का शायद भारत का इरादा है। ये है वो रॉयल एनफील्ड, इस इंजीनियरिंग को भी यहाँ पर शोकेस करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल को इंडियन पवेलियन का शुभारंभ करना है। दोनों नेता हैनोवर कारोबारी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जिसमें जर्मनी और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की नई संभावनाओं पर बात होगी। यूरोप के देशों में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार तो है ही, भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला 8वां देश भी है। 2013 में दोनों देशों के बीच 16 अरब 10 करोड़ यूरो का कारोबार रहा, लेकिन 2014 में ये घटकर 15 अरब 96 करोड़ यूरो रहा। कारोबार और टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ शिखर बैठक भी करेंगे, जिसमें कारोबार, रक्षा और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने के कई समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। देखना बहुत दिलचस्प ये है कि छोटे छोटे युवाओं के मन में अभी ये बात आ रही है कि इवेंचुअली सबके सब भारत वापस जा करके भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, भारत की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहेंगे। शायद यही मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे लेकर के वो यहाँ पहुंचे। तो पूरे भारत को बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Okay.
मैम एक बार पता कीजिए, मिल रहा हूँ उनको? आप लोग तो ये तस्वीरें आपने देखी हैनोवर में भारतीय छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ से हाथ मिलाए उन्होंने और हालचाल भी पूछा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो उत्साह खास तौर पर देखने के लिए मिल रहा है जर्मनी की यात्रा पर, इससे पहले फ्रांस में भी इससे, और वास्तव में इन देशों से प्रधानमंत्री क्या कुछ लेकर आ पाएंगे, क्या इन दोनों में फर्क करने की जरूरत है? नहीं देखिए, उत्साह नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, ये तो एस्टेब्लिश हो चुके हैं पूरा विश्व और जितना भी देश के बाहर भारतीय है उनको बहुत ज्यादा आशा है कि जी आपको रोकना चाहूंगी अशोक जी, कुछ खास तस्वीरें देख लेते हैं। मानवता में विश्वास करने वाले पूरे विश्व के लिए गौरव का अवसर है कि जब जर्मनी के हैनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापन हो रहा है, महात्मा गांधी भारत में जन्मे जरूर थे, महात्मा गांधी पिछली शताब्दी में जन्मे जरूर थे, लेकिन न वो सिर्फ भारत के थे, न ही वो बीती हुई शताब्दी के थे, वे पूरे विश्व के थे और वे युग पुरुष थे और युगों तक जब जब मानवता की चर्चा होगी तब महात्मा गांधी का जीवन, उनका शब्द, उनके संकल्प संकट की घड़ी में भी मानव जात को मार्गदर्शन दिखाएंगे। विश्व दो संकटों से गुजर रहा है, एक आतंकवाद और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व को इसकी चिंता है। और अगर हम महात्मा गांधी की तरफ देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के विचार में से मिलता है, उनके आदर्शों में से मिलता है। वे प्रकृति को प्रेम करते थे, वो प्रकृति के साथ सहजीवन की बात करते थे और वे पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े जागरूक थे। उस समय विश्व में कहीं पर भी एनवायरमेंट की चर्चा नहीं होती थी, उस समय वे प्राकृतिक जीवन के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन के माध्यम से संदेश देते रहते थे। और दुनिया जो आज रक्त रंजीत हो रही, मानव जीवन पर आतंकवाद का साया मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ है, तब महात्मा गांधी का
अहिंसा का संदेश, महात्मा गांधी का सहजीवन का संदेश और भारत की धरती का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इस संकट से मानव को बचाने का उत्तम रास्ता है। और उस अर्थ में महात्मा गांधी आज भी पूरी मानव जात के लिए आदर्श है, प्रेरक है। मैं मेयर सी का, हैनोवर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज महात्मा गांधी के प्रति और मुझे बताया गया कि यहां की जनता ने मतदान करके तय किया था कि हमारे हैनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा होनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। और इसलिए आज महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना हर हैनोवर के नागरिक के लिए गर्व का विषय है, जर्मनी के लिए गर्व का विषय है। और मैंने जैसे कहा, हर भारतीय तो गर्व करेगा, लेकिन मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के हर व्यक्ति के लिए आज गर्व का अवसर है। मैं फिर से एक बार मेयर श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। Das ist ein sehr stolzer Moment für Hannover, für Deutschland, dass heute diese Skulptur von Mahatma Gandhi hier errichtet wird. Mahatma Gandhi mag zwar in Indien geboren sein, er mag zwar im letzten Jahrhundert geboren sein, aber er gehört nicht nur Indien, er gehört nicht nur dem letzten Jahrhundert. Er gehört der ganzen Welt und er war eine Jahrhundertgestalt. Er ist schon immer eine Inspiration für die ganze Menschheit gegeben, durch sein Leben, durch seine Worte, durch seine Ideen. Diese sind richtungsweisend, besonders in diesen Zeiten, wo die Welt mit zwei großen Problemen kämpft. Das erste Problem ist der Terrorismus und das zweite Problem der Klimawandel, die der Menschheit große Sorge bereiten. Aber Gandhi hatte durch seine Ideen auch für diese Probleme eine Lösung. Er hat schon immer mit der Natur gelebt. Er glaubte an nachhaltige Entwicklung zu Zeiten, wo man davon noch gar nicht sprach. Durch sein eigenes Leben hat er ein Beispiel gesetzt. Und heute, wo wir so viel Blut vergießen haben in der Welt, wo der Terrorismus sich ausbreitet und die Menschheit bedroht zu vernichten, ist sein Gedanke des Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, ein Weg nach vorne, eine Richtung, die wir einschlagen können. Und auch seine Ideen der globalen Familie, dass die Welt ein Dorf ist. Das auch ist heute sehr wichtig. Gandhiji ist schon immer für die ganze Welt durch sein Leben, durch seine Ideale eine Inspiration gewesen. Und ich möchte mich ganz herzlich beim Bürgermeister, beim Urbürgermeister von Hannover bedanken und auch bei der Bevölkerung von Hannover. Ich habe gehört, dass es hier eine Abstimmung gegeben hat und dass auf demokratischer Weise bestimmt wurde, dass diese Skulptur hier errichtet werden soll. Und ich denke, dass die Stadt Hannover darauf stolz sein kann, Deutschland kann darauf stolz sein. Und natürlich ist jeder Inder darauf stolz. Aber vielmehr sind all diejenigen darauf stolz, die an die Menschheit glauben. Und ich möchte mit diesen Worten mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei der Stadt Hannover. Sehr geehrter Herr Premierminister Modi, meine sehr geehrten Damen und Herren, Mitglieder des Rates der Landeshauptstadt Hannover, liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, liebe indische Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen heute bei Hannover. Prime Minister, honorable guests, citizens of Hannover, a very hearty welcome to you here today. Wir sind der indischen Regierung sehr dankbar für dieses Geschenk. Wir freuen uns, dass wir dieses Geschenk weit feierlich enthüllen können. Dieses Geschenk in Hannover zu haben, ist eine besondere Ehre.
Mahatma Gandhi ist eine herausragende Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Ich sage ausdrücklich, Mahatma Gandhi ist eine herausragende Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte. Gandhi hat nicht nur die Entwicklung Indiens sehr stark geprägt, sondern sein Name und seine Politik stehen weltweit für ein Synonym, nämlich für Gewaltlosigkeit und für das Eintreten für Frieden und für Freiheit. Hannover ist und bleibt Indien in Freundschaft verbunden. Sehr geehrter Herr Premierminister, im Namen aller Hannoveranerinnen und Hannoveraner, vielen Dank. It's a very great honor for us in Hannover to have this present, and we thank you most sincerely for giving it to Hannover. Mahatma Gandhi is an outstanding personality in the history of our times and in the history of humanity. Gandhi not only influenced the development of India very strongly, but his name and his policies stand all over the world as synonyms, among other things, for non-violence and for peace and for liberty. हैनोवर के न्यू टाउन हॉल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां महात्मा गांधी की अहमियत को बताते हुए लोगों के बीच अपनी बात रखी। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्साह भी दिखा। भारत के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वहां नारे लगे। अशोक वानखेड़े जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। खासतौर पर ये जो उत्साह प्रधानमंत्री के लिए हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो जहां जहां जा रहे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, पहले भी कह चुका हूं मैं कि वो एक अच्छा ब्रांड बन चुके हैं। उन्होंने एक नया भारत का सपना दिखाया है, और जितने भी भारत के बाहर भारतीय बसे हुए हैं उन सबको भारत की चिंता लगी हुई है। सब चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। एक उनको लगता है ऐसा एक नेता देश को मिला है जो कुछ कर के दिखाने की बात करता है, तो ये उत्साह तुम्हें उसमें दिखेगा। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी के स्टैचू का अनावरण हुआ वहाँ पर, वो एक बहुत एक अच्छा संदेश देके जाएगा। क्योंकि अभी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने कंट्री रेटिंग का जो सर्वे किया था 2014 में, उसमें जर्मनी में 68% लोग जो है वो भारतीयों से नफरत करते पाए गए। अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस हुए हैं कि नस्लवाद को लेके अपने यहाँ कुछ किसी यूनिवर्सिटी में इंटर्न को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है। तो मोदी के जाने से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये माहौल को बदलती हैं और बहुत सकारात्मक संदेश देती हैं। प्रधानमंत्री की जर्मनी से जुड़ी इस यात्रा की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।